हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो किचन का सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई हूँ अपनी पौधों में अभी पानी डालने के लिए, क्योंकि धूप ज़्यादा पड़ रही है अभी कई दिन से, तो पौधे ना सूख जाते हैं, तो इसलिए मेरे को 2-3 बार दिन में इनमें पानी डालना होता है। तो मैंने ना पौधों में पानी डाल दिया है और हमारी तुलसी भी बहुत अच्छे से खिल गई है। पहले ना मेरी सूख गई थी गर्मी की वजह से। तो गाइस, अभी दोपहर के बज चुके हैं 2 और सारा काम वाम तो मैंने निपटा ही लिया है। आज सुबह से ना ब्लॉग शूट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि सुबह से मैं लगी हुई थी इनके चक्कर में, क्योंकि इनकी हो रखी है आज बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब। कई दिन से, मतलब 2-3 दिन से इनकी तबीयत ठीक नहीं है, और आज तो वैसे भी इन्होंने छुट्टी करवानी पड़ी मुझे इनके ऑफिस की भी, क्योंकि इतनी ज़्यादा तबीयत इनकी ख़राब हो गई थी कि बिल्कुल मतलब नहीं उठ पा रहे थे, और इतना ज़्यादा पेन हो रहा था ना पेट में। तो सुबह अभी डॉक्टर के लेके गए थे इनको, और अब इनको थोड़ा सा रिलीफ है, दवाई वगैरह दे दी है इनको, अभी रेस्ट कर रहे हैं। और नोनी को भी मैंने खाना वाना खिला के उसको सुला दिया, क्योंकि बहुत देर से रो रही थी वो भी सोने के लिए ना, तो उसको सुला बुला के मैं अभी शावर लेके ही आई हूँ। तो दोपहर का टाइम हो गया है, अभी मैं इनको दे देती हूँ दोपहर की दवाई, क्योंकि फिर अभी ये सोए हुए हैं, इनको जगा के पहले दवाई दे देती हूँ। लाइट जला लो ना। फैन ऑन कर दे। आज पहन के जाने वाले थे जूते, आज ही ऑफिस। अच्छे लग रहे हैं, मेरी पसंद के जूते ऐसे ही होते हैं। मेरी चॉइस तो अच्छी है, रेड टेप वैसे ब्रांड अच्छा है। तो गाइस, थोड़ी देर रेस्ट करके ना मैं अभी बना रही हूँ इनके लिए चाय, क्योंकि इनको लगी हुई है बहुत तेज भूख, क्योंकि पेट में दर्द था तो सही से कुछ खा नहीं पाए थे। तो अभी इनके लिए कुछ बना देती हूँ, और मेरे बर्तन भी साफ करे हुए रखे हुए हैं, अभी मैंने उसको मांझ मूंझ के रखा, बस ऐसे रख दिए थे। मैं अभी उनको सेट करूँगी, क्योंकि मैं भी थक गई थी काम करके। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए, और सबसे पहले मैं इनको पानी दे देती हूँ गर्म करके, क्योंकि इनकी हो रखी है तबीयत ख़राब, तो गर्म पानी इनको दे देती हूँ पहले, उसके बाद फिर बनाती हूँ मैं चाय। क्योंकि दोपहर के टाइम पे क्या होता है कि ना कुछ हल्का फुल्का खाने का मन करता है, और सुबह मैंने मूँग की दाल के इनके लिए खिचड़ी बनाई थी, तो इनको अभी भूख लगी हुई है। तो पहले मैं इनको दे देती हूँ गर्म पानी, क्योंकि इनको लेनी है दोपहर की अभी दवाई। तो पानी इनको देने के बाद अभी आ गई हूँ मैं किचन में। क्या हो गया? क्या हुआ? आओ आओ जल्दी मम्मा पास आओ। क्या हो गया बेटा? क्यों रोए आप? रोए क्यों? क्यों रोए? चलो उठो। तो चाय हो चुकी है, मैं रेडी, और फटाफट से पी लेते हैं हम चाय, और उसके बाद जाएंगे फिर शाम को घूमने। कहाँ के लिए तैयार हो गए आप? कहाँ के लिए तैयार हो? नोनी जा रही है अभी सब्जी लेने। सब्जी लेने जा रहे हो? ओ दूध लेने? हाँ तो पापा उठो चलो। बोलो सब्जी लेने पापा। चलो बाहर जाने के लिए इतनी बेचैन है।
खींच जा रही है अपने पापा का हाथ। बोलो पापा चप्पल पहन लो। पीछे घूम रही है आप, कह रही चाबी मुझे दे दो बाइक की। पापा के पास ही जाके खड़ी हो जाएगी। और ये क्या कर रखा है, पूरी बुक फाड़ दी इसने तो। तो गाइज मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी, मैं अभी नहाई हूँ और फ्रेश हुई हूँ और अब मैं जा रही हूँ सब्जी लेने के लिए और टाइम हो चुका है 6:30, तो आज मैं दोनों काम साथ में ही करके आ जाऊँगी। दूध भी लेकर आना है और सब्जी भी लानी है, तो दोनों काम साथ में ही हो जाएंगे और थोड़ा सा घूम भी आएंगे। अभी खाना बनाने में तो बहुत टाइम है, अभी बस हम निकल ही रहे हैं, सब्जी लेने जा रही हूँ अभी मैं।